गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित मतावली पट्टी जग्गू गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान खुर्शीद अहमद हैं। लगभग 4000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 6 किलोमीटर ही है। लगभग 2200 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 460 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी स्कूल में लगभग 130 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 10 हैंडपंप सरकार से और लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी गाँव में लगवाई गई है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 25 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, आंगनवाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्कूल में शौचालय व बाउंड्री व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 25 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, स्वास्थ्य केंद्र, खेल का मैदान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 200 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान मतावली पट्टी जप्पू विकास खंड असमोली तहसील संभल जिला मुरादाबाद ग्राम मतावली पट्टी जप्पू का मैं प्रधान इस योजना में बना हूँ, यानी इस पंचवर्षीय योजना में, और मेरे द्वारा बहुत ही ज़्यादा काम करा दिए गए। जितना भी पैसा हमें निधि से या मिला है या नरेगा से, उसके द्वारा मैंने बहुत ही ज़्यादा जो सड़कें आज तक नहीं बनी थी उनको पूर्ण रूप से इस युग बना दिया कि लोग उस पर आराम से आ जा सकें, और तथा इसके बाद भी धन की जो समस्या है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, क्योंकि ग्राम में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो पानी की निकासी की हैं। जो ग्राम का हमारे पानी तालाब में जाता था, वहाँ पर सड़क बनाने से और आसपास मकान बनाने वालों ने जो पानी का निकास था वो रोक दिया, जिसके कारण हम नाला बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। चूँकि विवाद है कहाँ कहाँ किस किस से, उस विवाद को सुलझाएं, इसलिए हम अपनी सरकार से, खासतौर से राज्य सरकार से ये अपील करते हैं कि वो हमारे इस विवाद को निपटने में हमारा सहयोग करें तथा और धन हमें देकर, जो ग्राम में हमें लगभग 2000 मीटर नाला निर्माण कराना है ताकि ग्राम को स्वच्छ और साफ बनाया जा सके, इसलिए हमें धन की आवश्यकता है। तो हमें 2000 मीटर नाला बनाने हेतु धन उपलब्ध कराए। इसके अतिरिक्त स्कूल पर भी मैंने कई शौचालय निर्माण व फर्श तथा अन्य जो बहुत गहरे गड्ढे थे, दो दो मीटर के गहरे गड्ढे थे वहाँ पर, तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा भराव डलवा कर, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी डलवा कर उसको पूरा करा दिया। मेरे अंडर में, यानी मेरी ग्राम पंचायत में एक गांव और लगता है जो मतावली पट्टी परशुराम के नाम से जाना जाता है, उस गांव में भी स्कूल पर मैंने कई शौचालय और वहां स्कूल की बाउंड्री व भराव जो उसमें बरसात के मौसम में पानी भर जाता था उसके मैदान में स्कूल के आगे, उसको मिट्टी डालकर इस योग बना दिया कि अब बरसात में भी बच्चों को, यानी हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आने जाने में नहीं आएगी। और वहाँ आसपास जो मच्छर वगैरह इतने हो जाते थे कि बैठना दूभर था, अब उन मच्छरों से भी और कई अन्य बीमारियों से भी हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। मेरा नाम शाहरुख है, मैं ग्राम पंचायत मतावली का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे प्रधान जी बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, कच्ची सड़क थी पहले, आप प्रधान जी ने पक्की करा दी। पहले कच्चा था, यहाँ पर निकलने में दुश्वार होती थी, आज जो है पक्की करा दिया, निकलने में कोई परेशानी नहीं है।